दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को पाटन विधानसभा के पाटन ब्लॉक में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम झीट व पाटन में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर जायजा लेकर मौजूद कर्मियों को ऑक्सीजन प्लांट को 24 घंटे चालू रखने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सेलू स्थित धान खरीदी केंद्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दो दिन से हो रही बरसात को धान खरीदी केंद्र का अवलोकन कर धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को किसी भी स्थिति में धान खराब नहीं होने देने का निर्देश दिया। सभी राज्यों में कोरोना के संक्रमण तेजी से अपने पैर एक बार फिर से पसारने लगे हैं, जिसके चलते सभी जगहों पर सुरक्षा व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। इसी बीच कोरोना के दूसरे वेरियंट ओमिक्रॉन ने भी जिले में दस्तक दे दी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। पिछले साल ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, के तहत इस बार ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से किसी की जान न जाए, इसके लिए जिला प्रशासन वृहद स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दुर्ग जिले के ग्राम पाटन और झीट में बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और उचित दिशा निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।